And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Supreme Court's Committee on Farms Law. And this topic is important for our syllabus paper 3, Governance and Indian Polity point of view. It is also important for political science option students for their IGP segment. सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं. तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फार्म्स बिल के अगेंस्ट पिटीशन सुनते हुए एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, 5 मेंबर्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया. आपको तो सारा बैकग्राउंड पता ही है, इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स हम कवर कर चुके हैं जहाँ आपने देखा कि कैसे भारत सरकार ने 3 कानून बनाए हैं विथ रिस्पेक्ट टू फार्म्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और फिर उसको लेकर के कितना सारा प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के आसपास के एरिया में. पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया बिकॉज बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे अगेंस्ट द फार्मर्स बिल. और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन पे, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे अभी के लिए स्टे लगा दिया है, टेम्प्रोरी स्टे लगा दिया है. और सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबर्स की कमिटी बनाई है, इन 4 मेंबर्स की कमिटी बनाई है और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये इस फार्म बिल्स को स्टडी करें और फिर उसके सारे टेक्निकल आस्पेक्ट्स को बताएं कि इससे क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी कि ये फार्म्स लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं. और ये जो 4 मेंबर की कमेटी है वो हैं, उसमें भूपेंद्र सिंह मन, अनिल गंगवत, अशोक गुलाटी एंड डॉक्टर पी के जोशी. ये सारे के सारे लोग इकोनॉमिक फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं. अब जरा देखते हैं कि जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू कॉन्स्टिट्यूट अ 4 मेंबर कमिटी. तो जो भी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने इस 4 मेंबर्स कमेटी के साथ कोऑपरेट करने का जो फैसला है उसको रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा है कि उनको इस 4 मेंबर कमेटी में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है क्योंकि ये जो 4 मेंबर्स हैं जिनको मिला करके कमेटी बनाई गई है, इन 4 मेंबर्स ने ऑलरेडी अपना सपोर्ट फार्मर्स बिल, ये जो कानून है फार्मर्स लॉ, उसके सपोर्ट में ऑलरेडी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर चुके हैं पहले. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए तो भूपेंद्र सिंह मन ने ऑलरेडी कहा हुआ है पहले कि रिफॉर्म्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू मेक एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव. अनिल गंगवत साहब ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि देयर इज़ नो नीड टू विड्रॉ दीज लॉज विच हैव ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मर्स. अशोक गुलाटी साहब का कहना है कि इकोनॉमिक रैशनल्स ऑफ दीज पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन इज टू प्रोवाइड ग्रेटर चॉइस एंड फ्रीडम ऑफ टू फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एंड टू बायर्स टू बाई द एंड स्टोर देयर बाय क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग. और पी के जोशी साहब का कहना है कि एनी डायल्यूशन इन द फार्म्स लॉ विल कंस्ट्रेन इंडियन एग्रीकल्चर टू हार्नेस इमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज. तो ये जो 4 मेंबर्स की कमिटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, 4 मेंबर्स ने तो ऑलरेडी अपना ओपिनियन, अपना इंटरेस्ट बता चुके हैं कि दे आर इन फेवर ऑफ फार्मर्स लॉ जो सरकार लेकर के आई है. दैट मीन्स दे आर अगेंस्ट, और देयर ओपिनियन इज अगेंस्ट द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन एरियाज अराउंड दिल्ली. और यही कारण है कि जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे हैव सेड कि दे विल नॉट कोऑपरेट विद दिस कमिटी एंड इट्स फंक्शनिंग. अब ये तो डेवलपमेंट हो गई, करंट डेवलपमेंट. अब आगे देखते हैं कि ये 4 मेंबर्स की जो कमेटी है इनका क्या रिकमेंडेशन आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला लेती है, या कानून अप्लाई होता भी है या नहीं, वो सब आगे डेवलपमेंट्स जब होंगे फ्यूचर में तो उनको हम देखेंगे. लेकिन जो करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है दिस प्रोसेस में, ये कानून बनाने के प्रोसेस में और इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में, इसको लेकर के आर्टिकल आया है, इसको लेकर के कंप्लीट एनालिसिस की है प्रताप भानु मेहता साहब ने. आप प्रताप भानु मेहता साहब को आप जरूर जानते होंगे, रेगुलरली ये लिखते रहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल्स, एंड ही इज अ वेल नोन एक्सपर्ट इन द गवर्नेंस फील्ड. तो कानून और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसमें इनका एक्सपर्टाइज जो है दैट इज़ वेल नोन.
और यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कि क्यों इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जो है वो जायज नहीं था, इट वाज नॉट जस्टिफाइबल, उन्होंने डिटेल्ड तरीके से बताया है। तो जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं, खासकर आईजीपी सेक्शन में, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी सेक्शन में, आप प्रताप भानु मेहता को जरूर कोट करेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को का एग्जाम्पल जरूर देंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल वायलेशन। आगे हम देखेंगे कि ये सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल का वायलेशन है क्या। बाकी सारे स्टूडेंट्स इस आइडिया का यूज कर सकते हैं एस्से राइटिंग में, लेकिन वहां पे आपको किसी एक्सपर्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। जनरल स्टडीज में या तो एस्से लिख रहे हो या कोई भी जनरल स्टडीज के पेपर में, आपको ये नहीं कोट करना है कि ये प्रताप भानु मेहता या किसी का ओपिनियन है, आप जनरल भी वो आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। अब जरा आते हैं प्रताप भानु मेहता साहब के आर्ग्यूमेंट पे, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन द प्रोसेस इज अनवॉरेंटेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल अंदाजी की है वो जायज नहीं है बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। फर्स्ट, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड, इट डीलेजिटिमाइज अ सोशल मूवमेंट प्रोग्रेसिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। तो देखते हैं, सबसे पहले समझेंगे सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल क्या है अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर दूसरे पॉइंट पे आएंगे कि कैसे एक सोशल मूवमेंट को डीलेजिटिमाइज किया गया है विद दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन। तो समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। ओरिजिनली ये जो कॉन्सेप्ट है, यह मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट है, अगेन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट जानते होंगे, और इस प्रिंसिपल को दुनिया के कई सारे देशों में फॉलो किया जाता है, यूएस में फॉलो किया जाता है, इंडिया में भी इसको फॉलो किया जाता है। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, दैट हैज बीन मैंडेटेड टू द आवर गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह के प्रोविजंस बनाए जिससे हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर मोरलेस प्रैक्टिस होती है। सेपरेशन ऑफ पावर का मेन थीम क्या है कि जो तीन ब्रांच है हमारी गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच, इन तीनों का अलग अलग काम होगा और कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। एवरी ब्रांच विल हैव सेपरेट पावर एंड नन ऑफ देम विल ब्रीच और इनक्रोच इन टू द पावर फंक्शंस एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द अदर ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम होगा फ्रेम अ लॉ, कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम होगा टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ, और जुडिशियल ब्रांच का दो काम होता है हमारे देश के अंदर, एडजुडिकेट अ लॉ, मतलब जब एक कानून बन गया, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट जुडिशियल लेजिस्लेटिव ब्रांच ने बना दिया, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना कि अब कोई सिग्नल को तोड़ता है तो उस पर फाइन लगाया जाएगा, और जुडिशियल ब्रांच का काम है कि उसको सजा देना, जो सिग्नल को तोड़ेगा उसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर जो पुलिस होगी उसको पकड़ेगी और उसको लेकर के आएगी जुडिशियल ब्रांच के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के आएगी, और मजिस्ट्रेट उस हिसाब से फाइन लगाएगा, सजा सुनाएगा। तो पहला काम होता है जुडिशियरी का एडजुडिकेट लॉ, कि जो भी कानून बना है अगर उस कानून को कोई ब्रीच करता है तो उसको उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट पर्पस और फंक्शन ऑफ जुडिशियल ब्रांच। और दूसरा पर्पस जुडिशियल ब्रांच का अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई ऐसा प्रोविजन लिखा है जो क्लियर नहीं है, जिसमें वेल डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, तो वहाँ पे उसको इंटरप्रेट करने का, उन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने का, उसका मतलब समझाने का काम है हमारे देश के अंदर जुडिशियरी का। और जुडिशियरी में भी हमारे देश के अंदर दो हायर जुडिशियरी हैं, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, खाली उनके पास ये दूसरा पावर है, दैट इज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा समझते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन में सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एज यू हैव ऑलरेडी सीन, द सुप्रीम कोर्ट should not intervene into the process. Supreme Court can intervene into a process only if the farm law has some procedural defect. तो Supreme Court इस मामले में तभी दखलअंदाजी कर सकती थी according to प्रताप भानु मेहता, अगर इस कानून में procedural defect होता। तो procedural defect क्या होता है वो भी समझते हैं। If a law passed विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द लॉ मैंडेटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कानून बनाने का प्रोसीजर है, अगर बिना उस प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो करते हुए अगर कोई कानून बना दिया गया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बेसिक प्रोसीजर क्या है कि बिल को इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट के अंदर, उसके दोनों हाउसेस से पास करना है, लोकसभा से, राज्यसभा से, और बाद में वो प्रेसिडेंट उसको जब असेंट देंगे तब जाकर के वो बिल एप्लीकेबल होगा, बिल वो एक्ट बनेगा। ये है प्रोसीजर। और अगर इस प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि इस लॉ को इंप्लीमेंट होने से रोके,
इफ़ देयर इज़ प्रोसीजरल डिफेक्ट. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसीजरल डिफेक्ट, कि अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट हो तो ही सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज इन जनरल वो नहीं कर सकती. क्योंकि अगर कोई कानून बना है, लेजिस्लेटिव ब्रांच इज वेल विद इन इट्स राइट, इसका अधिकार है, इसका पावर है कि अपने हिसाब से कानून बनाए, इसको जनता का मैंडेट है, जो लोग भी वहाँ बैठे हैं लोकसभा और राज्यसभा में वो लोगों द्वारा चुने गए हैं डायरेक्टली अनडायरेक्टली, उनके पास पावर है, ज्यूरिडिक्शन है कि उस हिसाब से कानून बनाए, उन्होंने कानून बनाया भी है अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कोई वायलेशन किया नहीं है, देन हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर, देर इज नो प्रोसीजरल डिफेक्ट इन द लॉ, दैट इज फॉर श्योर. तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरफेयर कर सकती है, कैसे सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा सकती है, पहला तो आर्ग्यूमेंट ये है, दिस इज एंड इन दिस वे प्रताप भानु मेहता सेज कि दिस इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. इनका काम है कानून बनाना, लेजिस्लेटिव ब्रांच का इन्होंने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह का इस लेजिस्लेटिव ब्रांच के काम में दखल अंदाजी की, उसके ज्यूरिडिक्शन में ब्रीच किया. जुडिशियल ब्रांच का काम है कि अगर कोई कानून सही तरीके से नहीं बना है या अगर कोई कानून को तोड़ रहा है, उस केस में जुडिशियल ब्रांच का काम आता है. सो इस तरीके से प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि दिस इज वायलेशन सेपरेशन ऑफ पावर. अब इसको काउंटर आर्ग्यू भी किया जा सकता है कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट का काम बस इतना नहीं है, एंड देयर कैन बी सम आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन, कि सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस में इंटरफेयर करके सही कर रही है. देयर कैन बी सम आर्ग्यूमेंट्स. पहला आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बट इट डिड नॉट इनविसेज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर लाइक US कॉन्स्टिट्यूशन. तो जैसे US कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल अपनाया जाता है, उस हिसाब से उस तरीके का कंप्लीट या वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल हमारे देश में नहीं है. आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 142. आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो जस्टिस को इंश्योर कराने के लिए एक ऑर्डर दे सकता है टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एंड दैट ऑर्डर विल हैव पावर लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ. तो ये आर्टिकल ही अपने आप में बताता है कि जिस तरीके से US कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बनाया गया है कि लेजिस्लेटिव का काम बस लेजिस्लेटिव करेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम बस एग्जीक्यूटिव करेंगे, जुडिशियरी का काम बस जुडिशियरी करेंगे, कोई एक दूसरे काम इंटरफेयर नहीं करेगा, इस तरह का वाटर टाइट सेपरेशन हमारे देश में नहीं है. यहाँ पे आर्टिकल 142 इसको साफ साफ प्रूफ कर रहा है कि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में पावर दिए हैं कि आप भी अपने हिसाब से ऑर्डर रिलीज कर सकते हैं, और वो ऑर्डर का उतना ही पावर होगा, उतना ही उसमें फोर्स होगा लाइक एनी ऑर्डिनरी लॉ. उसके अलावा मेनका गांधी केस इन 1978, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट इन इंडिया वी फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉट जस्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरा पावर, दैट इज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पावर का इस्तेमाल करते हुए मेनका गांधी केस में कहा कि फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो देखो इसके बीच का अंतर तो आपको पता ही होगा, आपने बेसिक इंडियन पॉलिटी में पढ़ रखा होगा. इन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वैलिडिटी ऑफ अ लॉ इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर जो भी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है, बताया है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो कानून बना है या नहीं, दैट इज द बेसिस टू डिटरमाइन वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ ए लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. बट इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिस्टम, द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज वैलिडिटी ऑफ अ लॉ इज नॉट जस्ट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर फॉलोड बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ द लॉ. मतलब अगर आपका पूरा प्रोसीजर सही भी है, बिल्कुल सही तरीके से आपने कानून बनाया, फिर भी अगर वो कानून जो है उसका कंटेंट जो है वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस या नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, तो जुडिशियरी उसमें इंटरफेयर कर सकती है. और सुप्रीम कोर्ट ने 1978 मेनका गांधी केस में कहा कि इन इंडिया वी फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. और इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से पावर मिल गया है टू इंटरफेयर और टू इंटरवीन इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. प्रताप भानु मेहता साहब आर्ग्यूमेंट करते हैं कि फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडरमाइंस लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं थोड़े बहुत इंटरवेंशन का, वी डू नॉट फॉलो कंप्लीट वाटर टाइट सेपरेशन, और सुप्रीम कोर्ट हैज मूव फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन 1978. ठीक है, ऐसा प्रताप भानु मेहता कहते हैं, लेकिन फिर भी इस पावर का इस्तेमाल बार बार नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट शुड रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इंटरवेंशन और ब्रीचिंग इनटू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच, बिकॉज इन दिस वे द
पावर ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ आवर गवर्नमेंट गेट्स अंडरमाइंड, वो कमजोर होती है। एंड दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशियल ओवर रीच एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि जब जुडिशियरी अननेसेसरीली वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है और दूसरे ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट्स में जैसे कि एग्जीक्यूटिव में या लेजिस्लेचर के कामों में दखल अंदाजी करती है, उसको कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच। और प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंटरवेंशन इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है इस फार्म लॉ में, दैट विल सेट अ रॉन्ग जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट देखिए कैसा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पर्टिकुलर कोई काम कर दिया तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं जैसे कि बाकी हाई कोर्ट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट दे आर लोअर कोर्ट्स, वो हाई कोर्ट्स को भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को फॉलो करना होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी एक्शन लिया दैट इज ए काइंड ऑफ प्रेसिडेंस, उन्होंने अगर इस लॉ में इंटरफेयर किया तो अब इस प्रेसिडेंस को फॉलो किया जाएगा बाई अदर हाई कोर्ट्स। अच्छा ठीक है, वो भी इस तरीके से अपने स्टेट में इस तरह के कानूनों में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये एक रॉन्ग जुडिशियल प्रेसिडेंस सेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, सरल शब्दों में अगर मैं इसको डिफाइन करूं एक्सप्लेन करूं तो बात यह है कि सरकार का लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम था कानून बनाना, उन्होंने कानून बना दिया सही तरीके से और अब लोग सरकार का काम है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, और कानून के प्रोसेस में कोई खराबी नहीं है, उसके कंटेंट में भी कोई खास खराबी नहीं है, तो जुडिशियरी का कोई काम या हक बनता नहीं है इस पर्टिकुलर केस में इंटरफेयर करने का। एंड बाई इंटरफेयरिंग जुडिशियरी हैज इंगेज इन टू जुडिशियल ओवर रीच एंड हैज सेटल्ड अ रॉन्ग जुडिशियल प्रेसिडेंट। उसके अलावा जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है प्रताप भानु मेहता साहब का कि इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज डीलेजिटिमाइज्ड अ सोशल मूवमेंट। देखिए जो पर्टिकुलर सोशल मूवमेंट है फार्मर्स का दैट इज़ वेरी पीसफुल एंड दैट इज़ वाई इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, प्रोटेस्ट करने का यह सही तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, इसमें कोई इलीगैलिटी या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चार मेंबर की कमेटी बना दी और अब कहा कि अब ये मेंबर्स लुक इन करेंगे कि क्या इशू है और उस हिसाब से वो रिकमेंडेशन करेंगे। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो इलीजिटिमेट लगेगा, इलॉजिकल लगेगा। तो एक पूरा का पूरा मूवमेंट बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल लगती है, काफ़ी एनर्जी लगी है, काफ़ी सेक्रीफाइसेस लगे हैं, इतने सारे लोग दो महीने से वहाँ पे इकट्ठा हैं, तो एक सोशल मूवमेंट है ये। और सोशल मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा था, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मैनेज किया जा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन करके चार मेंबर्स की कमेटी बना दी। अब उसके बाद ये जो फार्मर्स हैं दे विल अपीयर इलॉजिकल, बेवकूफ़ लगेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स तो स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। अब आप समझो कि एक तरीके से चार पाँच छः महीने टाइम जो है वो और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए बचा दिया है कि अब चार पाँच छः महीने तक आराम से कमेटी स्टडी करेगी, बोलेगी हाँ हाँ हम देख रहे हैं कि क्या है क्या मुद्दा नहीं है, और फार्मर्स जब अब प्रोटेस्ट करेंगे तो मीडिया भी उन पर क्वेश्चन उठाएगा कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब ऑलरेडी एक कमेटी बनाई हुई है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बचाने का एक काम कर दिया और फार्मर्स के इस पूरे जो मूवमेंट है उसको एक तरह से डीलेजिटिमाइज कर दिया है। ये दूसरा क्रिटिसिज्म है प्रताप भानु मेहता साहब का। उनका कहना है कि दिस वॉज ए कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस। सरकार ने कानून बनाया उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस यानी कि इसका एक इंपैक्ट पड़ रहा है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे और वो इसको प्रोटेस्ट कर रहा है और वो भी पूरे लीगल मैटर लीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। इट वॉज नॉट एट ऑल ए जुडिशियल प्रोसेस और यही कारण है कि जुडिशियरी का इसमें कोई भी रोल बनता नहीं था एंड दैट इज वाई ही क्रिटिसाइजेज इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। इस टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम सिक्योरिटी सेगमेंट, इट इज अबाउट सी विजिल 21। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 4 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो देखो सी विजिल 21 एक डिफेंस एक्सरसाइज है, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है और इसका दूसरा एडिशन हाल फिलहाल में कंडक्ट कराया गया, 12 और 13 जनवरी को इसका दूसरा एडिशन कंडक्ट कराया गया है। तो पहला एडिशन 2019 में कंडक्ट कराया गया था और ये बाई एनियल है, मतलब हर दो साल में एक बार होता है, यही कारण है कि 2019 में हुआ था और अब जाकर के दो साल बाद 2021 में ये डिफेंस कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। तो समझते हैं कि ये सी विजिल 21 है क्या। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब ये कोस्टल एरिया में मैरी टाइम एक्सरसाइज आप इसको कह लो एंड इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन नेवी। ध्यान दें इट इज़ नॉट कंडक्टेड कंप्लीटली बाय इंडियन नेवी, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन नेवी अलोंग 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन। तो जो भी इंडिया का कोस्ट लाइन है ईईजेड से
आपको तो पता ही है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन जोन आर द 200 नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। तो ईईजेड से जो भी हमारा कोस्टल लाइन है उन सारे एरियाज में हम लोग कलेक्टिव तरीके से बिल्कुल कंसर्टेड तरीके से हम लोगों ने डिफेंस एक्सरसाइज की है, मैरीटाइम डिफेंस एक्सरसाइज की है अपने इस कोस्टल एरियाज में। और ये जो मैरीटाइम डिफेंस एक्सरसाइज है दैट इज बीइंग कंडक्टेड अंडर सर्विलेंस ऑफ इंडियन नेवी, अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ इंडियन नेवी, बट एक्चुअल में जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं कोस्टल पुलिस ऑफ ऑल द 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो हर एक स्टेट जिसका कोस्ट भी है, ओशन के अंदर कोस्ट उसका है, उन सब के यहाँ जो नॉर्मल पुलिस होती है उसके अलावा उनकी कोस्टल पुलिस होती है। और कोस्टल पुलिस का काम होता है कि कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना। तो इन 13 स्टेट्स के कोस्टल पुलिस और 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का कोस्टल पुलिस प्लस कोस्ट गार्ड्स मिल करके ये सी विजिल 21 मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर गाइडेंस ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी इज नॉट डायरेक्ट पार्टिसिपेंट। और ये जो सी विजिल 21 एक्सरसाइज है 2019 में शुरू हुआ था और इसका मेन पर्पस है कि जो जिस तरह का 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसको फ्यूचर में होने से प्रिवेंट किया जा सके। तो ये मेन पर्पस है इस सी विजिल 21 का। 26 नवंबर को जो हमारे देश में टेरर अटैक हुआ था उस तरह का टेरर अटैक हमारे देश में दोबारा ना हो, और इस कारण से ये सी विजिल 21 हर दो साल पर मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू कराई गई है। इसी से मिलता जुलता एक और मैरीटाइम एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स थिएटर लेवल रेडिनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। अब ट्रॉपिक्स और सी विजिल 21 का मेन अंतर आप समझ लो, फिर पीटी में गलती बंद नहीं करोगे आप। ये भी बाई एनियल एक्सरसाइज है सी विजिल 21 की तरह, यानी कि हर दोनों दो दो साल पे होते हैं, ये इनमें सिमिलैरिटी है। लेकिन ट्रॉपिक्स में कैसा है कि ट्रॉपिक्स इज कंडक्टेड बाई इंडियन नेवी, जबकि सी विजिल 21 वॉज कंडक्टेड अंडर सर्विलेंस ऑफ इंडियन नेवी, बट इसके पार्टिसिपेंट जो हैं वो कोस्टल पुलिस थे। ट्रॉपिक्स के अंदर इंडियन नेवी खुद पार्टिसिपेट करती है, खुद अपने मैरीटाइम ड्रिल करती है, एक्सरसाइज करती है ताकि अपने आप को रेडी कर सके टू डिफेंड इंडियाज कोस्ट इन केस ऑफ फॉरेन अटैक, एंड साथ ही साथ टू प्रिपेयर इंडिया अगेंस्ट काउंटर अटैक या काउंटर डिफेंस। तो अगर मान लो एग्जांपल के लिए इस तरह के टेररिज्म या मैरीटाइम जो पायरेट्स हैं उनसे अपने देश को बचाने के लिए ये सी विजिल 21 है, लेकिन अगर मान लो चाइना हमारे देश पे अटैक करता है या पाकिस्तान हमारे देश पे नेवल अटैक करता है, उस तरह के केसेस में सर्कमस्टांसेस में अपने आप को पहले डिफेंड करने के लिए ये एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स, और बाद में उनके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए भी ये एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स। इट इज़ कंप्लीटली कंडक्टेड बाई इंडियन नेवी, इसमें और किसी का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट टॉक्स अबाउट के शेप्ड रिकवरी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सो करंट न्यूज़ क्या है? तो देखो जेपी मॉर्गन एक फॉरेन की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो आप जानते ही होंगे, उसके चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट, जो इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में काम करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है टर्म के सेफ्ट रिकवरी। तो ध्यान से सुनो कि ये जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर और पूरे दुनिया में भी खासकर पोस्ट पैंडेमिक के सेफ्ट रिकवरी देखी जा रही है। अब ये न्यूज़ को आप भूल जाओ, फोकस ऑन दिस टर्म के सेप्ड रिकवरी। ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि मुझे लगता है कि आपसे हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ के सेप्ड रिकवरी। तो जरा समझते हैं के सेप्ड रिकवरी है क्या। इस फिगर की मदद से ही देख लो। देखो पैंडेमिक से पहले जो COVID-19 का पैंडेमिक आया उसके पहले अलग अलग सेक्टर्स अपने ग्रोथ रेट उनका मोर और लेस सिमिलर था, एक तरह का ग्रोथ रेट था, इस तरह से चल रहे थे। पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तो सारे के सारे सेक्टर्स में डिक्लाइन देखा गया, सब के सब रिसेशन में गए। लेकिन अब पोस्ट पैंडेमिक कुछ एक सेक्टर जो है फास्ट तरीके से रिकवर कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वो फास्ट सेक्टर से रिकवर करने वाले सेक्टर, जैसे कि टेक्नोलॉजी, रिटेल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये फास्ट तरीके से रिकवर कर रहे हैं। जबकि कुछ एक सेक्टर हैं जो अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी डिक्लाइन कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग, इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, फूड सर्विसेज। और इस तरीके के इकोनॉमिक रिकवरी को हम कहते हैं के शेप्ड रिकवरी। काफ़ी इंट्यूटिव है, ध्यान से ही देखो, कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं, तो के शेप्ड रिकवरी। व्हेन सम सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इंप्रूव्स और रिकवर्स एट अ डिसेंट पेस वाइल अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कंटिन्यू टू डिक्लाइन, सच काइंड ऑफ रिकवरी इज नोन एज के शेप्ड रिकवरी। इसी से मिलता जुलता टर्म भी है इकोनॉमी के अंदर यू शेप्ड रिकवरी। यू शेप्ड रिकवरी व्हेन रिकवरी इज वेरी स्लो आफ्टर रिसेशन। ये देखो ये येलो कलर से हमने दिखाया है कि अगर रिसेशन हुआ उसके बाद रिकवरी हो तो रही, लेकिन काफ़ी धीरे 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 और बाद में जाकर के रिकवर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं यू शेप्ड रिकवरी। यू शेप का बन रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव है। और वी शेप्ड रिकवरी, ये ब्लू कलर डॉटेड लाइन से हमने दिखाया, व्हेन द रिकवरी इज वेरी क्विक
शार्प रिबाउंड ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर रिसेशन, ऐसे रिसेशन आया किसी कारण से और उसके बाद शार्प रिकवरी हो तो उसको हम कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, उससे ये इतना इस्तेमाल हुआ इस साल इसका अलग अलग जगहों पे कि मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो यही कारण है कि मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए ये सवाल अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया है के शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी, लेकिन मैंने आपसे पूछा है मीनिंग ऑफ एल शेप्ड रिकवरी। अब आप ये इतना इंट्यूटिव है कि आप इसको खुद ही गेस कर लेंगे, दैट इज वाई बिना एल शेप्ड रिकवरी पढ़ाए हुए मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। काफी इंट्यूटिव है, अपना गेस वर्क लगा करके, कॉमन सेंस लगा करके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम में इस तरह का कुछ भी वो बना करके पूछ देंगे, आप उसको हिसाब से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टर्म्स चलते हैं, ए सेफ्ट रिकवरी, जेड सेफ्ट रिकवरी, तो वो सब आप अपने हिसाब से ट्रेस कर लेना। तो एल सेफ्ट रिकवरी भी एक कॉमन टर्म है, इसके बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट अ पैनल टू आइडेंटिफाई कोलैबोरेटर्स, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं, तो आप सबको तो पता ही है कि हमारे स्टेट असम के अंदर एनआरसी को अपग्रेड करने का, अपडेट करने का प्रोसेस 2013 में स्टार्ट हुआ अंडर डायरेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और फाइनल जो ड्राफ्ट रिलीज हुई दैट वाज ऑन 31 अगस्त 2019, और उस ड्राफ्ट के हिसाब से लगभग 3,30,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था टू गेट रेजिडेंटशिप स्टेटस इन असम, लेकिन उसमें से 3,11,00,000 लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, एलिजिबल पाया गया, जबकि लगभग 19,00,000 लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और उनको इलीगल फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया असम के अंदर, कि दे आर नॉट ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ असम, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। उनको अब फिर एक ऑप्शन दिया गया है कि दे कैन अपील एट फॉरन ट्रिब्यूनल्स, और फॉरन ट्रिब्यूनल ने भी अगर उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया देन दे विल बी डिक्लेयर एज परमानेंट फॉरनर्स। तो ये तो स्टेटस आप जानते हैं, कई दफ़ा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब असम सरकार ने एक नया स्टेप लिया है, असम सरकार अब ये जानना चाहती कि ये 19 लाख लोग आए कहाँ से, इलीगल तरीके से असम के अंदर घुसे कहाँ से, और इस कारण से असम सरकार ने एक पुलिस पैनल कमिट बनाया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है, 5 पुलिस ऑफिसर्स की एक पुलिस पैनल बनाई है। एंड नाउ द पर्पस इज नॉट टू लुक फॉर द इलीगल माइग्रेंट्स, बट द पर्पस इज टू लुक फॉर द कोलैबोरेटर्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। कोई तो होगा असम के अंदर जो इनकी मदद कर रहा होगा, इन लोगों को बांग्लादेश से इलीगल तरीके से असम के अंदर घुसने में मदद कर रहा होगा, पैसे लेकर के या किसी और पर्पस से। अब उनको कहेंगे कोलैबोरेटर्स ऑफ दीज इलीगल माइग्रेंट्स, वो होंगे यहीं के लोकल रेजिडेंट्स, उनके पास सब कुछ प्रॉपर प्रूफ्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, लेकिन वो लोग इलीगल माइग्रेंट्स की मदद कर रहे हैं चाहे जिस भी पर्पस से कर रहे हो। अब उनको आइडेंटिफाई करना पर्पस है इस पुलिस पैनल का, कोलैबोरेटर्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, कौन इनकी मदद कर रहा है, कौन इनको ला रहा है, कौन इनको यहाँ छुपा रहा है, और कौन इनको यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहा है, वो सब हैं कोलैबोरेटर्स। और ये जो 5 मेंबर्स की पुलिस पैनल बनाई गई है, इसका काम है कि इन सारे कोलैबोरेटर्स को अब आइडेंटिफाई करना। और ये जो 5 मेंबर की पुलिस पैनल है दैट विल बी हेडेड बाई सुब्रज्योति बोरा एन IPS ऑफिसर। आज एक टॉपिक हम लोग स्पोर्ट्स सेगमेंट से भी लेंगे, इट इज़ अबाउट सिडनी टेस्ट कंट्रोवर्सी। अब ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड सवाल आपके डायरेक्ट ना प्रीलिम्स में आएगा ना मेंस में आएगा, लेकिन यहाँ जो हम आइडिया डिस्कस करने वाले हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में, पेपर 5 में। वहाँ पर एक सेगमेंट है एंड वर्सेज मीन्स डिबेट, जिसको हम लोग टीलोलॉजिकल वर्सेज डीओंटोलॉजिकल डिबेट भी कहते हैं। ये सीधा सीधा टॉपिक दिया हुआ है आपके पेपर 5 एथिक्स वाले पेपर में, तो इससे रिलेटेड ये कॉन्ट्रोवर्सी है, इसको जरा देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन आर आंसर राइटिंग ऑन ए क्वेश्चन एंड वर्सेस मींस डिबेट। तो इसको समझने से पहले, ये पूरा डिबेट समझने से पहले आप ये एक वीडियो देख लीजिए जो सिडनी टेस्ट में हुआ है। Positive stroke play in this partnership when Rishabh Pant survived a hot chance to Tim Payne. And it was not long after that that he decided it was time to up the ante, and he started to take Nathan Lyon on down the ground. Went the aerial route, but it's staying true to a game plan and a style and technique that's worked really well for him to this.
तो अब ये जो वीडियो है इसमें माना ये जा रहा है कि ये जो इंसान हैं ये ऑफ कोर्स ये स्टीव स्मिथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, और वो माना ये जा रहा है कि वो आकर के क्रीज को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम में बैटिंग कर रहे थे इंडिया के बैट्समैन ऋषभ पंत, और जब बैट्समैन बैटिंग करता तो वो अपने हिसाब से अंपायर से पूछ करके वो एक गार्ड बनाता है, उससे समझने की कोशिश करता है कहाँ उसका लेग स्टंप है, कहाँ ऑफ स्टंप है, कहाँ मिडिल स्टंप है, तो गार्ड इस तरह से वो अपने स्क्रैच करके वो अपना गार्ड लेता है ताकि उसको पता चल सके कि उसका स्टंप कहाँ पे है। और माना ऐसा जा रहा है कि स्टीव स्मिथ यहाँ आकर के ऋषभ पंत के इस गार्ड को मिटा रहे थे ताकि जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आए तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि उनका स्टंप है कहाँ पे और उसके बाद वो आउट हो जाएं। तो ये ऐसा माना जा रहा है, ये एलिगेशंस लगाए गए हैं स्टीव स्मिथ के ऊपर। स्टीव स्मिथ के ऊपर ऑलरेडी वो सैंड पेपर एलिगेशंस प्रूफ हो चुके हैं पहले भी, जिसके कारण वो एक साल के लिए क्रिकेट से उनको सस्पेंड भी किया था, जहाँ पर उनको बॉल टेम्परिंग का एलिगेशन सही पाया गया था उनके अगेंस्ट। तो ये जो स्टीव स्मिथ का ये जो पर्टिकुलर एक्शन है दैट कुड बी यूज इन योर आंसर राइटिंग, कि इट कैन बी यूज इन एथिक्स पेपर टू एक्सप्लेन दैट हाउ सम पीपल जस्टिफाई एनी मीन्स मे इट बी गुड और बैड टू अचीव देयर डिजायर्ड एंड। इस केस में स्टीव स्मिथ ने गलत तरीका अपनाया है, बैड मीन अपनाया है ऑफ चीटिंग टू अटेन डिजायर्ड एंड ऑफ विक्ट्री। तो उन्होंने अपनी विक्ट्री अपनी एक एंड सेट कर लिया कि मुझे ये चाहिए, अब उसको पाने के लिए वो कोई भी तरीका अपनाए, उस चाहे वो सही हो या गलत हो, अगर वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं तो वो तरीके भी अपने आप में सही हैं। दिस इज नोन एज मैकियावेलियन अप्रोच, आपने एथिक्स में जरूर पढ़ रखा होगा। दिस इज नोन एज टेलियोलॉजिकल अप्रोच और यूटिलिटेरियन अप्रोच गिवन बाय जेरेमी बेंथम, ये सब एथिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो वेन द एंड जस्टिफाइज द मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द मीन्स देन इट इज नोन एज टेलियोलॉजिकल अप्रोच, जो इस केस में स्टीव स्मिथ कर रहे हैं कि हम जीतने से मतलब है चाहे मैं जैसे भी जीतूं। और इसका बिल्कुल उल्टा एक अप्रोच होता है जिसको हम लोग डीओंटोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं, जिसमें कहते हैं कि द एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, आप सही गलत रास्ते को लेकर के सही एंड पे कभी नहीं पहुंच सकते। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको आम कभी नहीं मिलेगा। हाँ, आप टेम्पोरली जीत सकते हैं चीटिंग करके, लेकिन लॉन्ग रन में आपका वो कैरेक्टर खराब हो जाएगा, और जब कैरेक्टर खराब होगा तो आपके लिए ही वो निगेटिव आउटकम प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से महात्मा गांधी आर्ग्यू करते हैं, उनका डीओंटोलॉजिकल अप्रोच है। इमैनुअल कांट का भी डीओंटोलॉजिकल अप्रोच है कि आपका जो एंड है और मीन्स है वो अलग 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 नहीं है, अगर आप गलत रास्ते का इस्तेमाल करके आप सही एंड पे कभी नहीं पहुंच सकते। तो इस तरीके के सवाल अक्सर आते रहते हैं, आप देखिए पास्ट यूपीएससी के पेपर्स देखिए, एंड एंड मीन्स पे कई दफा सवाल आ चुका है, आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए अब महात्मा गांधी इमैनुअल कांट तो सब लिखते हैं कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह का जो तरीका है, नॉन वायलेंस का जो तरीका है टू अटेन इंडिपेंडेंस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हैविंग गुड मीन्स टू अचीव अ गुड एंड, ये तो सब लिखेंगे। लेकिन जब आप इस तरह का एग्जांपल लिखते हैं स्टीव स्मिथ करंट सिडनी टेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी, तो एग्जामिनर को एक बात समझ आती है, आप मैसेज दे रहे हैं एग्जामिनर को कि जो आपके आसपास में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको भी आप एथिकल एंगल से इवैल्यूएट कर पाते हैं, आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका भी आप एथिकल डायमेंशन देख पाते हैं, तो दैट गिव्स ए गुड मैसेज टू द एग्जामिनर, उसमें आपको और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एपीएससी, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 330 to 332। टॉपिक नंबर 330 इज अबाउट राधा गोविंद बरुआ साहब, वाज बोर्न ऑन 17 October 1900 एंड डाइड ऑन 15 July 1977। ही वाज फाउंडर ऑफ असम ट्रिब्यून ग्रुप एंड ही फाउंडेड असम ट्रिब्यून इन 1939। ही इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असम, ही इज ऑल्सो नोन एज सिंह पुरुष द लायन मैन। He is a sports enthusiast as well and served as a president of Assam Cricket Association. Under his initiative, Assam Flying Club was started in 1958 and he was first president of it. Nehru Stadium in Guwahati was built under his leadership and R.G. Barua auctioned the first lot tea of Guwahati Tea Auction Center in 1970. Please attempt this question based on topic number 330. Topic number 331 is about Assam Wetland. The Assam Conservation Reserve in Dehradun is the first wetland from Uttarakhand to be recognized by Ramsar. Please attempt this question based on topic number 331. Topic number 332 is about Osiris Rex. It is a mission which was launched by NASA to study asteroid Bennu and collect a sample and return to Earth by 2023. Please attempt this question based on topic number 332. This is the answer of question number 324 to 326 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं।
metals, vanadium was found in Arunachal, but lithium was not found in Kerala, it was found in Karnataka. So the correct answer will be option A, one only. And second was regarding payment infrastructure development fund scheme. So pehla statement isme sahi hai, kis scheme ka istemal kiya jayega tier 1 se tier 3 cities mein infrastructure development payment infrastructure ko develop karne, but dusra statement galat hai. The fund will be completely financed by RBI. This statement is wrong. It will be about 250 crore will be financed by RBI, but 95 crore will be financed by other payment service providers. So the correct answer will be again option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.